अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो बिल्डिंग और इमारत आप देख रहे हैं, ये लंदन की बहुत मशहूर इमारत है जिसका नाम है क्राइटेरियन कैपिटल। यानी यहाँ उस वक्त में किसी ज़माने के अंदर यहाँ शराब का अड्डा था, जुआ का अड्डा था, अय्याशी का अड्डा था, मक्कारी का अड्डा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन एक बंदे ने 2005 में इस इमारत को, यहाँ की जो मशहूर और तारीखी इमारत है, इसको ख़रीद करके इसको ख़रीद लिया। 220 मिलियन पाउंड खर्च करके इसको, ये पूरी इमारत को ख़रीद लिया। फिर वहाँ जो है मस्जिद बनाने का ऐलान किया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी कि आप यहाँ पर मस्जिद नहीं बना सकते। लेकिन फिर इसके लिए जो है कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। कोर्ट में जब मामला गया, अब जाके जो है ये फैसला हुआ कि हाँ, आप यहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं। लोग हैरान हैं कि आखिर ये ऐसा इतना बड़ा खर्च करके आखिर भी इसको कैसे मस्जिद बनाया जा सकता है। दोस्तों, लोगों को मालूम नहीं है, एक ईमान वाला अपना हर चीज़ दाव पर लगा सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से चाहता है कि अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम ज़िंदा रहे, और वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से उसकी आखिरत जो है बेहतरीन होती रहे, उसकी आखिरत जो है बन जाए। तो आसिफ अज़ीज़ नामी एक शख्स ने, वहाँ के जो मशहूर बिल्डर हैं और वह बहुत ज़्यादा जो है मालदार आदमी हैं, वो दरअसल मलावी, अफ्रीका के मलावी के रहने वाले हैं। वो उन्होंने बचपन से ही इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ा, तरबियत हासिल की, और लेकिन एक चीज़ थी, जब उनके पास पैसा है, माल है, दौलत है, इज़्ज़त है, तो चाहते ही थे कि वो एक इस तरीके का कोई काम कर जाए। चुनांचे उसी के तहत उन्होंने जो है इस इमारत को ख़रीदा और फिर अप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। फिर अब जो है कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद ये हुआ, फैसला हुआ कि हाँ, इसको मस्जिद आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई। खालिस मस्जिद ही नहीं बनेगी वहाँ, बल्कि मस्जिद बनेगी, मस्जिद के साथ साथ बड़ी बड़ी क्लासें बनेंगी कि आप वहाँ दुनिया से लोग वहाँ पर आएँगे, दीन इस्लाम के बारे में जानेंगे, कुरान करीम के बारे में जानेंगे, हिफ्ज़ क्लासें लगेंगी, लोग कुरान करीम को हिफ्ज़ करेंगे, आलिम बनेंगे, और जो है दीन इस्लाम के बारे में, कुरान करीम के बारे में, अहादीस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो इस तरीके से जो है दीन कितना ज़्यादा आम होगा, कितना ज़्यादा फैलेगा, लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाले बनेंगे और ताबेदारी और इताअत करने वाले बनेंगे। 24 घंटे, जहाँ जिस वक्त में अय्याशी का अड्डा था, अब वो वक्त आ गया है कि वहाँ पर जो अल्लाह हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएँ गूंजेंगी। और इतना लंबा खर्च करके कोई इंसान किस तरीके से इसको दे सकता है, ये एक ईमानी कैफियत है, ये ईमानी चीज़ है कि इस बंदे ने इस बात को जो है आसान बना दिया, लोगों को ये बात समझा दिया कि एक ईमान वाला शख्स अपने ईमान के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने ईमान को बचाने के लिए, दुनिया में ईमान को आम करने के लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए मुबारक दिन को ज़िंदा करने के लिए कितना ही खर्च करना पड़े, लेकिन वो खर्च कर सकता है। बस ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ज़िंदा रहे, किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में वो ऐसा काम कर जाए इसके ज़रिए से उसका नाम जो है रोशन रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन रहे, ताकि उसकी आखिरत बन जाए, उसकी जो है आखिरत संवर जाए, आखिरत जो है उसकी भली हो जाए। तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। जनाब आसिफ अज़ीज़ उनका नाम है, वो लंदन के मशहूर बिल्डरों में आते हैं और बड़े बड़ा नाम है उनका, बड़ा पैसा है, बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी इज़्ज़त के अंदर इस बात की वजह से बेशुमार इजाफा हो गया है, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। तो हमारी तरफ से भी इनको बेशुमार जो है मुबारकबाद हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम।